आज बनेगी करेले की बहुत ही मजेदार सब्जी। हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही टेस्टी करेले की सब्जी। करेला यानी बिटर गॉर्ड। ये हल्का सा कड़वा होता है, लेकिन इसकी सब्जी बहुत ही अच्छी बनती है। तो इस तरीके से इस सब्जी को बनाया जाए तो ये बिल्कुल कड़वी नहीं लगती है। तो चलिए इस करेले की सब्जी को बनाना शुरू करते हैं। तो ये करेले हमने अच्छे से वॉश कर लिए हैं और इस तरह से बीच से हम तीन भाग में कट कर लेंगे। तो इस तरह से सारे करेले को आप कट कर लें। अब ये देखिए, सारे पीसे इस तरह से कट कर लें और ना ज़्यादा मोटा होना चाहिए ना ही पतला। और इसे हम क्या करेंगे, बॉयल करना है। बॉयल सिर्फ हाफ बॉयल करना है। तो इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे और नमक और पानी के साथ इस तरह से मिक्स कर लें। या तो आप कुकर में हाफ सीटी से पका लें या तो एक कटोरे में इस तरह से पानी डाल के इसे बॉयल कर लें। तक ये करेले बॉयल होते हैं तब तक मसाले तैयार करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिए हैं पीले सरसों और लहसुन, इसके पेस्ट तैयार कर लें। तो ये जो लहसुन और सरसों का पेस्ट है, इसमें हम सूखे मसाले ऐड कर लेते हैं। थोड़ी सी हल्दी पाउडर डालेंगे, नमक डालेंगे और मिर्ची पाउडर डालेंगे। तो ये नमक और हल्दी और मिर्च जो है आप अपने स्वाद के अनुसार डालें। अब इस मसाले को हम साइड में रखते हैं और एक प्लेट में हम लेंगे 3 से 4 चम्मच चावल का आटा, थोड़ा सा लहसुन का पेस्ट, हल्दी, नमक और मिर्ची पाउडर। इन सभी को डालकर थोड़ी सी पानी डालकर एक गाढ़ा घोल तैयार करें। तो इस तरह से इतना गाढ़ा घोल तैयार कर लें। तो ये हमने जो करेले बॉयल किए हैं, ये करेले बॉयल हो गए हैं। ये देखिए, हाफ बॉयल हुए हैं। अब करेले के एक पीस को उठाएंगे और इस तरह से इसमें डिप करेंगे। तो गाढ़ा ही घोल रखें और इस तरह से इसमें हम अच्छे से कोट कर लेंगे। और कोट करने के बाद हमने यहाँ पे कढ़ाई में तेल गरम कर लिए हैं। तो इसे फिंगर से इस तरह से फैला दें ताकि अच्छे से फैल जाए और इस कढ़ाई में हम डाल देंगे। तो इसी तरह से एक दो पीस और इसमें डालेंगे और इसे फ्राई करेंगे। तो गैस का फ्लेम लो रखें और इसे फ्राई करें। अब इस करेले को एक साइड हो जाने के बाद धीरे से पलट दें। इसी तरह से हम दोनों साइड इसे सेक लेंगे और इसी तरह से सारे करेले को सेक कर तैयार कर लें। करेले को भूनते वक्त ना इसमें ज़्यादा तेल नहीं डालें, बस थोड़ा थोड़ा तेल डालें और इस तरह से दोनों साइड सेक लें। तो ये देखिए, जैसे हमने सेके हैं ना, इसी टाइप से सेकें। वैसे आप इसे डीप फ्राई भी कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा तेल खाना भी नहीं चाहिए। सारे करेले इस तरह से सेक लिए हैं। अब इसमें हम डालेंगे 3 से 4 चम्मच तेल और इसमें डालेंगे थोड़ी सी मेथी के दाने। मेथी के दाने जब चटक जाए ना, तो ये जो सरसों के पेस्ट तैयार किए थे मसाले के साथ, इसमें ऐड कर दें। अब इस मसाले को लगातार चलाते हुए भूनेंगे और इस मसाले को भूनने के लिए ना लगभग 5 से 6 मिनट लग जाते हैं। तो इसका कच्चापन जो है ना सरसों का, ये भूनने के बाद ही जाता है। अब देखिए, इसे भूनते हुए ना देखिए अंदर से ये तेल छोड़ रहा है, इसका मतलब है कि सरसों अच्छे से भून गए हैं। तो इस मसाले को 1 मिनट तक और भून लेते हैं और 1 मिनट के बाद ये देखिए भूनकर तैयार हो गए हैं। तो ये जो हमने करेले बॉयल किए थे ना, उसी के ये पानी बचे हुए हैं। तो उस पानी को भी हम यूज कर लेते हैं इसमें डालकर, और थोड़े से पानी और ऊपर से ऐड कर लें। ग्रेवी आपको जितनी पतली चाहिए। और इसे हम 5 मिनट के लिए ढक देंगे। 5 मिनट के बाद इसको कवर को हटा लेते हैं और ये देखिए, ये अच्छे से बॉयल हो रहा है ना ग्रेवी। अब इसमें जो करेले हमने फ्राई किए थे, ये सारे एक एक करके इसमें डाल दें। और ये हमने सारे डाल दिए हैं। अब इसे हम 2 मिनट के लिए कवर कर देते हैं ताकि करेले और ये जो ग्रेवी है ना, एक दूसरे में मिक्स हो जाए। अब 2 मिनट हो गए हैं, इसे कवर हटाकर चेक कर लेते हैं। ये देखिए, अब ये सब्जी बनकर तैयार हो गई है। अब हम गैस को बंद कर देते हैं और ये लीजिए, आपके गर्मा गर्म मजेदार करेले की सब्जी बनकर तैयार है। इस सब्जी को एक बार जरूर ट्राई करके देखिए, ये सब्जी बहुत ही अच्छी बनती है।
और इस सब्जी को आप चावल या रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मेरे बनाने के तरीके कैसे लगे आप मुझे कमेंट करके बताएं, और आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हुए एक नई रेसिपी के साथ।